ओके, गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. सो इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द फीचर्स और व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच यू कैन सी इन द एक्सटर्नल. व्हेन यू सी द हार्ट एक्सटर्नली तो आपको पेरिकार्डियम दिखता है बेटा, आपको कोरोनरी ब्लड वेसल्स दिखता है, आपको मेजर ब्लड मेजर आर्टरीज दिखते हैं, मेजर वेन्स दिखते हैं. दैट इज़ ऑल वी डिस्कस्ड इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, राइट. सो टुडे इन दिस क्लास वी विल बी टेकिंग अप अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द हार्ट एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है, क्रॉस सेक्शन लेकर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्ट्स को लेबल करेंगे एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर. Or in other words, the anatomy of the heart. Right? So we will study the internal structure. ये आपके understanding के लिए better हो जाएगा. We'll study it under three categories. That is, we will first talk about the walls of the heart. Walls of the heart. ठीक है. So when you talk about walls of the heart, ये एस की जरूरत नहीं है. ओके, सो प्रीडोमिनेंटली द हार्ट हैज थ्री वॉल्स. नाउ वी नो दैट द हार्ट इज थ्री चेम्बर्ड, राइट. वी स्पोक अबाउट द चेम्बर्स ऑल्सो, बट बाकी के जो सेलियंट फीचर्स हैं हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे. सो द अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया, द लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स, राइट. सो द वॉल्स ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इन थ्री सेक्शंस और थ्री कैटेगरीज. सो सबसे पहला जो कैटेगरी है उसको हम बोलेंगे, सबसे बाहर जो वॉल है उसको मैं बोलूँगा एपिकार्डियम. एपिकार्डियम एंड द बीच वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम. एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड कॉमन सेंस है एंडोकार्डियम. ठीक है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. That is how we will be studying this. Okay. So epicardium जो है बेटा, epicardium heart के exactly, heart walls के exactly जो ऊपर जो एक transparent, near transparent membrane है, which is nothing but the pericardium itself. Pericardium double wall है, मैंने आपको बताया था, करेक्ट. सो पेरिकार्डियम के जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज पराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एज विजरल पेरिकार्डियम. उस विजरल पेरिकार्डियम को अगर आप पेरिकार्डियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो दैट इज नेम्ड एज पेरिकार्डियम. अगर मैं हार्ट के कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ सो दैट इज नेम्ड एज एपिकार्डियम. ओके, सो पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम है क्या बेसिकली? इट इज नथिंग बट द विजरल पेरिकार्डियम. It is the visceral pericardium. ठीक है, what is it made up of? It is made up of simple squamous epithelium. So, common membrane है, common membrane which is also forming the part of the pericardium. Or if you talk about with respect to the wall of the heart, it is forming the epicardium for that particular matter. ठीक है, now it is also referred to as mesothelium. It is also referred to as the mesothelium. ठीक है, mesothelium इसलिए बेटा because it is lining the cavity. कौन से cavity को वो line कर रहा है? Pericardial cavity को वो line कर रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे mesothelium. Is that very clear? Next is myocardium. Myocardium is the thickest layer. Myocardium is the thickest layer and this thickest layer is made up of what type of cells? They are made up of specialized cardiac muscles. They are made up of specialized cardiac muscles. Okay, and the last one is endocardium. Endocardium is again the inner layer, so it is referred to as endothelium. क्योंकि ये chambers को line कर रहा है, inner surface को line कर रहा है, that is why it is called as endothelium.
दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम. दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम. ओके, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम. बिकॉज एंडोथीलियम में जो वर्ड है बेटा, एंडोथीलियम इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन लाइनिंग द एंटायर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. सो जो भी हार्ट चेंबर को लाइन कर रहा है उसे भी हम एंडोथीलियम बोलेंगे. जो भी हार्ट जो भी ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग को लाइन कर रहा है उसी को भी हम एंडोथीलियम बोलेंगे. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, अगेन दिस both of them are technically the epicardium or endocardium. dono simple squamous epithelium se bane hain. so let's try and see the structure. outside se apun isko label kar lenge. let's draw a rough diagram of what a heart looks like. so now let's try and make the heart chambers. अगेन आई टोल्ड यू इट इज़ जस्ट अ स्कीमैटिक रिप्रेजेंटेशन, सो डोंट टेक इट लिटरली. इतना गंदा तो आपका हार्ट दिखता नहीं है. ओके, अब इसके ऊपर होगा एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड. ओके, सो एपिकार्डियम इज दिस मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो दी विजरल पेरिकार्डियम. ठीक है, मीजोकार्डियम इज द मस्क्यूलर लेयर. ठीक है, और एंडोकार्डियम इज द इनर वॉल of the chambers, inner wall of the chambers. ठीक है, और ये जो parietal pericardium है उसके ऊपर fibers होंगे बेटा. fibers क्यों? because fibers अपन को cavity में attach करके रखते हैं. मतलब technically walls of the mediastinum cavity को ये attach करके रखेंगे. heart में तो लुढ़क के गिर नहीं जाना चाहिए ना. so the fibers are associated with the attachment. समझी गए हो बेटा? so that was with respect to the walls of the heart. ठीक है, these walls of the heart very clearly we can't be able to see in the animation. okay, so this is what you need to remember about the walls of the heart. next we will talk about the chambers of the heart. okay, second category जो हम लोग internal structure में पढ़ेंगे that is the chambers of the heart. कूल. ना चेंबर्स ऑफ द हार्ट में आई नो दैट आई हैव एट्रिया. सो चेंबर्स ऑफ द हार्ट में मेरे पास एट्रिया है विच इज द अपर चेंबर. देन आई हैव वेंट्रिकल्स विच इज द लोअर चेंबर्स. ठीक है, अब एट्रिया इज ऑल्सो रेफर टू एज रिसीविंग चेंबर. एट्रिया इज द रिसीविंग चेंबर. ठीक है, एंड वेंट्रिकल्स आर द पंपिंग चेंबर्स. वेंट्रिकल्स आर द पंपिंग चेंबर्स. ओके, एट्रिया बेसिकली इज एसोसिएटेड विद टू टाइप्स ऑफ एट्रिया, दैट इज योर लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया. उसमें भी हमको पता है दैट द राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया है. राइट एट्रिया रिसीव्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेफ्ट एट्रिया रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सिमिलरली वी हैव राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तमारू राइट वेंट्रिकल इज रिसीविंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मतलब टेक्निकली रिसीविंग फ्रॉम द एट्रिया. ठीक है, एंड पंपिंग
टू दी पल्मोनरी आर्टरी. लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड और पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, नाउ विद रिस्पेक्ट टू दी थिकनेस, ठीक है, अब डायग्राम में देखकर अपन को समझ जाएगा दैट एट्रिया इज कंपेरेटिवली, एट्रिया इज थिक वॉल थिन वॉल्ड, माई मिस्टेक, एट्रिया इज थिन वॉल्ड और वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड. ओके, बिकॉज वेंट्रिकल्स में मस्क्यूलेचर ज़्यादा है, नंबर ऑफ मसल्स, कार्डियक मसल्स बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वेंट्रिकल से द ब्लड इज बीइंग पम्प्ड आउटसाइड द हार्ट, राइट. सो इफ वेंट्रिकल से ब्लड आर पम्प्ड इनटू द ब्लड वेसल्स, मेजर ब्लड वेसल्स एंड ऑल्सो इनटू द हार्ट, सो टेक्निकली इट हैज़ टू बी पम्प्ड विद अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स, राइट. फॉर दैट यू रिक्वायर थिक मस्क्यूलेचर, ठीक है. अब थिकनेस की अगर मैं बात करूं बेटा, थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो मेरे को पता है कि वेंट्रिकल सबसे थिक है, ठीक है, बट कौन सा वेंट्रिकल ज़्यादा थिक है. सो सबसे ज़्यादा जो थिक है दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद दैट इज़ राइट वेंट्रिकल, उसके बाद कंपेरेटिवली देर इज़ लेफ्ट एट्रिया एंड उसके बाद देर इज़ राइट एट्रिया. Okay, so this is with respect to the thickness, is that right? Volume को देखते हैं अभी, thickness and volume is comparatively different. ये thickness of the walls है, ठीक है, दीवार की thickness है, chamber की नहीं. मतलब in other words, एक घर है, for example, एक घर का दीवार का अगर आपने thickness बहुत बढ़ा दिया है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि घर के अंदर का area change हो, हम बाहर की तरफ भी wall का thickness बढ़ा सकते हैं. Are we understanding it? Is that right? So if this is your box, अगर मैंने let's say for example ये आपका thickness ऐसा है, इतना thick है, तो यहाँ पे आपका this is your volume, यहाँ पे आप लोगों को रख सकते हो, यहाँ पे आप सामान रख सकते हो, right? So imagine कर लो कि I told you that there is two houses or two chambers with equal volume, ठीक है, और एक की थिकनेस इतनी है और दूसरे की थिकनेस ऐसे हो सकती है ना. आर वी अंडरस्टैंडिंग इट? सो हियर द वॉल्यूम इज द सेम बट द थिकनेस इज कंपेरेटिवली डिफरेंट, राइट. सो वॉल्यूम और थिकनेस ये दो अलग अलग पैरामीटर्स है बेटा. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द एसोसिएशन और लेट्स कम बैक टू द इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम. अब थिकनेस, मेरे को अभी इसका कोई रीज़न तो होना चाहिए, है ना, कि सर लेफ्ट वेंट्रिकल ही ज़्यादा थिक क्यों है राइट वेंट्रिकल से. बिकॉज अंडरस्टैंड बेटा दैट लेफ्ट वेंट्रिकल से द ब्लड इज बीइंग पम्प्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो इट हैज़ टू हैव अ थिकेस्ट मस्क्यूलेचर. मैं आपको वो दिखा दूंगा. राइट वेंट्रिकल से इट इज़ ओनली गोइंग टू द लंग्स, सो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन या बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन की इतनी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, आपको इतनी पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली लेफ्ट एट्रिया जो है, इट इज़ कंपेरेटिवली रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. माई मिस्टेक, लेफ्ट एट्रिया इज रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स, माई मिस्टेक, ठीक है. सो लेफ्ट एट्रिया जो है इट इज़ रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, राइट. सो वो लंग्स से लेके आ रहा है और अल्टीमेटली जो है इट इज़ गोइंग टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. सो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ कंपेरेटिवली ऑफ ग्रेटर थिकनेस एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट इज़ कंपेरेटिवली ऑफ लेसर थिकनेस, ठीक है. अब वॉल्यूम की जो कंसिड्रेशन है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इज कंपेरेटिवली हैविंग ग्रेटर वॉल्यूम एज दैट ऑफ राइट वेंट्रिकल एज दैट ऑफ राइट एट्रिया, बिकॉज राइट एट्रिया से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्लड से ब्लड आ रहा है. ओके, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्लड से ब्लड अगर आ रहा है, सो कंपेरेटिवली इट हैज़ टू मेक अप ग्रेटर रूम, राइट, इट हैज़ टू मेक अप ग्रेटर वॉल्यूम टू अकोमोडेट द ब्लड,
ठीक है, उसके बाद और लेफ्ट एट्रिया में सिर्फ लंग्स से ब्लड आ रहा है, राइट, थ्रू द पल्मोनरी वेन्स. सो इसीलिए कंपेरेटिवली उसकी जो चेंबर साइज है दैट इज कंपेरेटिवली स्मॉलर. इज दैट राइट? दिस इज द ओनली डिफरेंस हियर. ठीक है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर वॉल्यूम विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब जो एट्रिया है, एट्रिया में देर आर सेवरल ओपनिंग्स. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओपनिंग्स. एट्रिया में भी कुछ ओपनिंग्स है और सर वेंट्रिकल्स में भी कुछ ओपनिंग्स है. वेंट्रिकल्स में कुछ ओपनिंग्स है बेटा. ओके, अब बात करते हैं राइट एट्रियम की ओपनिंग में. सो राइट एट्रियम में देर आर कंपेरेटिवली फोर ओपनिंग्स. ठीक है, फोर ओपनिंग्स एंड लेफ्ट एट्रियम में देर इज फाइव ओपनिंग्स जहां से ब्लड एंटर करेगा और जहां से ब्लड एग्जिट करेगा. ठीक है, सो राइट एट्रियम में देर आर फोर ओपनिंग, वन फॉर योर सुपीरियर वीना कावा, वन फॉर योर इन्फीरियर वीना कावा, वन फॉर योर कोरोनरी साइनस एंड वन फॉर द एंट्री इनटू द वेंट्रिकल्स. दैट इज वन इज एवी एट्रियो, वन इज इन द एट्रियो वेंट्रिक्युलर सेप्टम. एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक इमेजिनरी सेप्टम हम मानते हैं विच इज कंट्रोल्ड बाय द वॉल्व्स. ठीक है, विच इज कंट्रोल या आपके लैंग्वेज में वेल्व्स. ठीक है, तो चार ओपनिंग. लेफ्ट एट्रिया में देर आर फाइव ओपनिंग्स, फोर आर द ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स एंड वन इज द ओपनिंग फॉर एवी, दैट इज बिटवीन द एवी सेप्टम. ओके, सिमिलरली वेंट्रिकल्स जो है आपका राइट वेंट्रिकल में देर इज ओनली वन ओपनिंग. ठीक है, जहां से ब्लड निकल जाएगा. और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑल्सो देर इज वन ओपनिंग जहां से ब्लड लीव करेगा, निकल जाएगा फ्रॉम द चेंबर. ठीक है, एंड दैट वन ओपनिंग इज फॉर दैट लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जो वन ओपनिंग है दैट इज फॉर पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में देर इज वन ओपनिंग फॉर एओटा. ओके, सो ये मेजर डिफरेंसेस है. हम लोग इसी मेजर डिफरेंसेस को वी विल सी इट प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ सम 3D डायग्राम. ठीक है, और हम वापस यहाँ पे चेंबर्स ऑफ द हार्ट में आएंगे, बट फर्स्ट लेट्स गो बैक टू दैट पर्टिकुलर डायग्राम. नाउ एज यू कैन सी हियर, ठीक है, दिस इज द चेंबर साइज. लेट्स गो अहेड एंड डाइसेक्ट दिस. ये सिर्फ ये इस रीजन में आपको दिख रहा है. मैं आपको यहाँ तो दिखाता हूँ, ओपनिंग्स दिखा रहा हूँ बेटा. ये आपका राइट, दिस इज योर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम को ये एक ओपनिंग है, नीचे से एक ओपनिंग आ रहा था, यहाँ पे कोरोनरी साइनस खोल रहा है और एक एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग है. ठीक है, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से एक ही ओपनिंग है, दैट इज टू दी पल्मोनरी आर्टरी. सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल को अगर आप देखोगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ओपनिंग है, दैट इज थ्रू दी एओटा, टू दी एओटा, एंड इट हैज फोर ओपनिंग्स. दीज आर दी ओपनिंग्स फॉर पल्मोनरी वेन्स. समझे बेटा? ठीक है, अब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी चेंबर्स. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड चेक दी चेंबर्स वेरी क्लियरली.
ओके दी ऐप इज शोइंग अ लिटिल मोर प्रॉब्लम लेट्स लोड इट वंस अगेन वी विल हैव टू लोड इट वंस अगेन बेटा तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफलाइन ये ऐप चलता नहीं है ठीक है सो अगेन डजंट रियली मैटर फॉर दैट पर्टिकुलर लेवल सो वी विल लोड दिस एंड वी विल कीप इट दैट वे नाउ दिस इज वॉट यू कैन सी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट आई एम स्पेसिंग आउट द लेबल फॉर नाउ एंड देन वील ट्राई टू लेबल इट ऑल्सो कूल सो एज यू कैन सी दी थिकनेस हियर कैरेक्टरिस्टिकली अगर आप थिकनेस देखते हो तो आपका जो लेफ्ट एट्रियम का थिकनेस देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस देखो और आपका राइट वेंट्रिकल का थिकनेस देखो देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस कूल सिमिलरली अगर आप थिकनेस इसकी देखते हो आपके लेफ्ट अगर आप दिस इज ओनली द राइट एट्रियम का कंपेरेटिव थिकनेस सिर्फ यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे होता है तुम्हारा ऑरिकल ठीक है अब ऑरिकल का थिकनेस यहाँ पे दिखाया है कंपेरेटिवली पूरे चेंबर का थिकनेस नहीं है देर इज हियर इफ यू सी द थिकनेस इज कंपेरेटिवली ग्रेटर ठीक है एंड इतना आपको समझा अब वॉल्यूमिक कैपेसिटी भी देखो वॉल्यूमिक यहाँ पे देखो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है दैट इज कंपेरेटिवली ग्रेटर एंड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल ठीक है सो कैरेक्टरिस्टिक क्रॉस सेक्शन ऑफ योर हार्ट दिस डायग्राम यू आर सपोज टू ड्रॉ इट इन योर एग्जामिनेशन और इन योर नोट्स ठीक है ये डायग्राम आप बना सकते हो ठीक है सो दिस इज वॉट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल स्ट्रक्चर्स नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्टन अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द हार्ट ठीक है अब वॉट यू कैन सी वेन यू टेक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द हार्ट ठीक है सिर्फ वेंट्रिकल्स पे कॉन्सेंट्रेट करो अभी के लिए बेटा वेंट्रिकल्स को कॉन्सेंट्रेट करोगे तो दीज आर दी वॉल्व्स कैन यू सी दिस ये जो है दैट इज अ बाइकस्पिड वॉल्व और द मिट्रल वॉल्व एंड यहाँ पे जो है दैट इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व को दूसरा कोई नाम नहीं है बेटा अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्यों बोला है ठीक है यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है दैट इज प्रेजेंट ये हम लोग बाद में के सेक्शन में करने वाले हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल नाउ लेट्स गो अहेड एंड डाइसेक्ट दिस एंड टेक अप अ क्रॉस सेक्शन ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीन कस्प है तीन कप लाइक नीचे ये एक है दूसरा है तीसरा है कस्प कस्प रेफर्स टू कप लाइक ठीक है अब यहाँ से देखोगे तो आपको प्रॉपर कप दिखेगा बेटा यहाँ से नीचे से देखोगे तो आपको एक कप दिखेगा ये एक कप है वन सेकेंड ये एक कप है ये दूसरा कप है तीसरा कप है ठीक है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड हियर दैट दीज आर दी एवी वॉल्व्स ठीक है अब आप इसको वैल्व्स भी बोल सकते हो ये आपकी मर्जी है ठीक सो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है विच इज हैविंग थ्री कस्प एंड द ट्राइकस्पिड वॉल्व इज बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल तो आप इसको याद क्या करोगे आप इसको याद करोगे राइट ट्राई ऑलवेज यू शुड गिव अ राइट ट्राई करेक्ट सो राइट ट्राई राइट साइड ऑफ द हार्ट में होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व इज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ठीक है इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोला बिकॉज इट हैज थ्री कस्प लाइक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है बेटा सिमिलरली थोड़ा सा बाइकस्पिड की तरफ चलते हैं बाइकस्पिड की तरफ मैं ये चेंबर को हटा देता हूँ पहले और इसको भी हटा देता हूँ ठीक है बाइकस्पिड की तरफ अगर आप देखते हो तो देर इज ओनली टू कस्प ठीक है नीचे से अगर आप देखते हो इधर फिलहाल आई विल शो इट टू इन द अदर डायग्राम डोंट वरी अबाउट दैट तो अगर आप इसके इसको यहां से देखोगे टू कस्प सो बाइकस्पिड वॉल्व इज कॉल्ड एज वेयर इज दिस बाइकस्पिड वॉल्व इज कॉल्ड एज मिट्रल वॉल्व मिट्रल क्यों क्योंकि इट लुक्स लाइक अ बिशॉप्स हैट
माइटर जिसको बोलते हैं, ये ऐसा होता है, देखो याद है बिशॉप का जो हम टोपी पहनाते हैं, ये ऐसा दिखता है। तो दिस इज हाउ इट इज अपियरिंग, माइटर। सो इट गिव्स अ माइटर लाइक अपियरेंस, ठीक है। तो माइटर दिखने जैसा है, इसलिए माइट्रल वॉल्व, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इट इज बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। नाउ कम बैक टू दिस पर्टिकुलर हार्ट, ओके। इसको अभी हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करके देखेंगे दैट हाउ डज इट लुक, कूल। सो टिल दिस पर्टिकुलर डायग्राम गेट्स लोडेड, वी विल गो बैक टू आवर नोट पैड एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द इंफॉर्मेशन विच वी नीड टू राइट, ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये व्हाट वी वर राइटिंग अबाउट, वी वर राइटिंग अबाउट एट्रिया। थोड़ा सा कलर चेंज हो गया अपना, कलर चेंज करते थोड़ा सा नखरा कर ही लेते, अभी इतने अच्छे से कर ही रहे तो हम थोड़ा सा और नखरा कर लेते। एट्रिया एंड पछी वेंट्रिकल्स, अब वापस, हाँ। सो एट्रिया में जब भी आप एट्रियल वॉल्व को ओपन करके देखोगे तो एट्रिया में देर इज इंटरनल मस्क्यूलर रिजस, इंटरनल मस्क्यूलर रिजस, ठीक है। एट्रिया में देर इज इंटरनल मस्क्यूलर रिजस, बीच में लिख रहा हूं सो दैट वी कैन राइट डाउन द नेम्स। रिजस का मतलब समझ रहे हो बेटा, रिजस रेफर्स टू सम एलिवेटेड रीजन्स, है ना, थोड़ा सा ऐसे अनइवन सरफेस है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिज, करेक्ट। सो एट्रिया में देर इज मस्क्यूलर रिजस एंड दैट मस्क्यूलर रिजस आर कॉल्ड एज मस्क्यूलाई, दे आर कॉल्ड एज मस्क्यूलाई पेक्टिनैटी, मस्क्यूलाई पेक्टिनैटी। वेर एज वेंट्रिकल्स में ऑल्सो देर आर कैरेक्टरिस्टिक, एट्रिया में इतना बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेस दिखते नहीं है, आई विल शो इट टू यू स्टिल, बट वेंट्रिकल्स में कैरेक्टरिस्टिकली रिजेस दिखते हैं एंड दोज रिजेस आर कॉल्ड एज ट्रबैक्यूले। ये वर्ड आप भली भांति जानते हो, ट्रबैक्यूले ऑफ कार्ने, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलम्स ऑफ कार्ने। कार्ने इज द लास्ट नेम ऑफ द फिजियोलॉजिस्ट। ट्रबैक्यूले रेफर्स टू इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, करेक्ट। सो ट्रबैक्यूले ऑफ कार्ने और ऑल्सो रेफर टू एज कॉलम्स ऑफ कार्ने, ठीक है। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स, प्रेजेंस ऑफ पैपिलरी मसल्स। पहले तो हम लिखेंगे पैपिलरी मसल्स का मतलब क्या है। पैपिलरी मसल्स आर, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पैपिले, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पैपिले। पैपिले रेफर्स टू रेज्ड स्ट्रक्चर, है ना, कोई भी बायोलॉजी में पैपिले का मतलब क्या, अगर ऐसा है तो ऐसे थोड़ा सा रेज्ड स्ट्रक्चर होगा तो इसको पैपिले बोलेंगे। तो पैपिलरी मसल्स क्या है बेसिकली, वो हम डेफिनेशन लिख देते हैं। सो व्हाट इज पैपिलरी मसल्स, दीज आर एक्सटेंशंस ऑफ, these are extensions of cardiac muscles. So what are papillary muscles again? These are extensions of cardiac muscles. ठीक है, so what is the function of these papillary muscles? Function of the papillary muscles are attachment, they form a strong attachment with certain cord-like structures which are made up of white fibers, ठीक है, the attachment with a structure called as cordae tendinae, ठीक है, cordae tendinae के बारे में लिखेंगे। सो पैपिलरी मसल्स, कॉर्डे टेंडिने क्या है, एक से स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है विच आर अटैच टू द एवी वॉल्व्स। एवी का फुल फॉर्म क्या है, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व्स,
ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, डब्ल्यू ए एल एल एस नहीं, वी ए एल वी ई एस, ओके. सो पैपिलरी मसल्स आर एब्सेंट इन एट्रिया एंड दे आर प्रेजेंट इन दी वेंट्रिकल्स, ओके. सो दिस वॉज वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दी हार्ट. Another feature is something called as chordae tendinae. What is chordae tendinae? These are string hard, ऐसे गिटार के strings होते हैं ना, एकदम stiff strings है. These are strings of white fibers attached to the posterior surface of the valves, attached to the posterior surfaces of the AV valves, posterior surfaces of the AV valves, and papillary muscles. Okay, so that is chordae tendinae. What is the function of chordae tendinae? Chordae tendinae prevents the back opening of AV valves. ठीक है, अगर कॉर्डेट टेंडिने इतना स्टिफ स्ट्रिंग नहीं होता तो वॉल्व जो है, बिकॉज वॉल्व्स आर कंपैरेटिवली मेम्ब्रेन्स जो मस्क्युलर एक्टिविटी शो करते हैं, सो वॉल्व्स अंदर की तरफ भी खुल सकते हैं, बाहर की तरफ भी खुल सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग ऑन दी प्रेशर डिफरेंसेस, राइट. बट कॉर्डेट टेंडिने इतना स्टिफ स्ट्रक्चर है दैट इट डज नॉट अलाउ दी बैक ओपनिंग, मतलब एवी एट्रिया से वेंट्रिकल में खुल सकते हैं दिस वे, बट दी वॉल विल नॉट बी एबल टू ओपन, दी वॉल विल नॉट बी एबल टू ओपन इन दी अदर वे राउंड. मैं ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, सो दी वॉल विल नॉट बी एबल टू ओपन इन दिस वे. ठीक है, तो उसके लिए हमको काम आता है कॉर्डे टेंडिने. सो डेफिनेटली कॉर्डे टेंडिने कहाँ पे प्रेजेंट होगा? कॉर्डे टेंडिने विल बी प्रेजेंट ओनली इन दी, दे आर प्रेजेंट ओनली इन दी एट्रिया, माई मिस्टेक, वेंट्रिकल. सो दे आर एबसेंट इन दी एट्रिया एंड दे आर प्रेजेंट इन दी वेंट्रिकल्स. ओके, नाउ लेट्स गो बैक एंड सी दी कॉर्डे टेंडिने वेरी कैरेक्टरिस्टिकली. We are waiting for this particular diagram to be loaded. Let's go back and try it if it is getting loaded, or else we will have to manage with the other diagram. Okay. It is taking hell lot of time any which ways. Let's go back and see this diagram. Maybe it might get loaded here also. I showed you. अगर यहाँ पे भी नहीं होता है तो आई विल हैव टू शो इट टू यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. ठीक है, ये कभी कभी ऐसा होता है दैट द ऐप समटाइम्स बिकम्स अ लिटिल मोर प्रॉब्लमैटिक. एंड दिस इज नॉट अ पेड सब्सक्रिप्शन दो, सो ऑन सम पॉइंट्स इट कम्स. Okay. All right, so the app is becoming a little more problematic today. So I will show it to you with the help of a photograph which I've already taken. Okay. So that will also make us understand it very well. Okay. So as you can see, this is the diagram which you will be drawing in your notebook. It's the cross section. So ये जो आपको structures दिख रहे हैं, these string-like structures which you can see here,
ओके. दीज स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स विच यू कैन सी हियर आर द कॉर्डे टेंडिने. दीज स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, मैं एम स्पॉइलिंग द डायग्राम फॉर नाउ, आई विल इरेज इट लेटर. ठीक है. दीज कॉर्डे टेंडिने आर अटैच टू सर्टन स्पेशल टाइप स्पेशलाइज रेज्ड मसल्स, जैसे डोंगर जैसे जो मसल्स दिख रहे हैं, राइट. सो दे आर पैपुलरी मसल्स, राइट. एंड इफ यू कैन सी हियर, कैन यू सी दिस मस्क्यूलर रिजेस, ये जो मस्क्यूलर रिजेस है दे आर कॉल्ड एज ट्रबैक्युले ऑफ कार्ने. सिमिलरली हियर ऑल्सो इन द एट्रिया यू कैन सी सर्टन मस्क्यूलर रिजेस, दे आर कॉल्ड एज मस्क्यूलाई पेक्टिनैटी और पेक्टिनेट मसल्स, एज यू वॉन्ट टू रिमेंबर इट. ठीक है. देन यू ऑल्सो कैन सी इन दिस पर्टिक्युलर डायग्राम, लेट्स गो बैक टू आर नोट पैड अगैन वंस अगैन. ठीक है. सो दीज वे दी वॉल्स विच आई वॉन्टेड टू शो यू, दीज वे दी स्ट्रक्चर्स विच आई वॉन्टेड टू शो यू विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम. ओके. कम बैक टू वॉट वी हैव वेयर डिस्कसिंग. सो ये हमारे इंटरनल चेंबर्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए बहुत अच्छे से. ठीक है. नाउ मूविंग बैक विद द थर्ड कैटेगरी, and that third category is the valves of the heart. ठीक है. अब ये valves क्या है and what are their function? These valves are membranous structures. valves are membranous structures. ओके. विच हैव मस्क्यूलेट मसल लाइक प्रॉपर्टी. अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये वॉल्व्स को उन लोगों ने मसल्स बोला है बेटा, दे आर मस्क्यूलर एक्सटेंशन बोला है, जो साइंटिफिकली इनकरेक्ट है, बिल्कुल भी इनकरेक्ट है. क्यों? बिकॉज अगर आप मेम्ब्रेन का जो भी आपके वॉल्व्स है उस वॉल्व्स को हिस्टोपैथोलॉजिकली या अगर आप अंडर द माइक्रोस्कोप भी देखोगे तो आपके वॉल्व्स के अंदर कोई भी मसल्स नहीं होंगे. ठीक है. सो टेक्निकली दे आर एक्सटेंशंस ऑफ द एंडोकार्डियम इटसेल्फ, बट दे ऑल्सो हैव सर्टेन इलास्टिक फाइबर्स. दैट इज द ओनली हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दीज वॉल्व्स. बट एनसीईआरटी इसको मसल्स बोलता है, जो गलत है. ठीक है. सो वॉल्व्स आर मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स विच हैव मस्क्यूलर प्रॉपर्टी. Is that right? And these valves का function क्या है वो भी लिख लेंगे. Function of the valves is to prevent backflow. ठीक है. And the principle of opening, पहले हमको ये समझना है कि वॉल्व का ओपनिंग प्रिंसिपल इज नॉट ड्यू टू अ फोर्सिंग प्रेशर. ठीक है. वॉल्व्स का प्रिंसिपल इज द प्रेशर डिफरेंस. इट इज द डिफरेंस इन द प्रेशर. इसको थोड़ा सा समझते बेटा. ठीक है. अब इमेजिन कर लो कि आपका ये एट्रिया है. इमेजिन कर लो, एक ही बना रहा हूँ मैं, ये वेंट्रिकल है, एक ही बना रहा हूँ अभी के लिए. दिस इज फॉर जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. और इमेजिन कर लो कि आपका ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व. यू कैन इमेजिन इट. आई नो यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल इमेजिनेटिव कैपेसिटी. ठीक है. तो आप इमेजिन कर सकते हो. ठीक है. अब मान लो कि आपके एट्रिया में बहुत सारा ब्लड है एंड आपके वेंट्रिकल में ब्लड नहीं है. ठीक है. बिकॉज वेंट्रिकल का जितना भी ब्लड था दैट हैज गॉन इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा. सो आपके वेंट्रिकल में ब्लड नहीं है और एट्रिया में ब्लड है. ठीक है. सो लोगों को क्या लगता है, अभी तक आपको क्या लगता था कि when atria will contract, the blood will be pushed into this particular ventricle and that is when your valve will be open. So technically valve open होने के लिए आपको लगता है कि ऊपर का atria should contract. That is not the correct answer बेटा.
ठीक है, बिकॉज ये वॉल्व के साथ कौन अटैच्ड है, ये वॉल्व के साथ अटैच्ड है आपके कॉर्डे टेंडिने, ये वॉल्व के साथ कॉर्डे टेंडिने अटैच्ड है, ठीक है, एंड कॉर्डे टेंडिने आर अटैच्ड टू द पैपुलरी मसल्स, करेक्ट. सो इन अदर वर्ड्स व्हेन द कैन आई से हियर द प्रेशर इज मोर, प्रेशर इज कंपेरेटिवली मोर, और यहाँ पे जो तुम्हारा वेंट्रिकल है, आई एम रेजिंग दिस मच फॉर नाउ बिकॉज डायग्राम बिकम्स एनी विच वे इज वेरी डर्टी, ठीक है, वॉल्स वापस अपना बना लेते हैं हम. ओके, सो एट्रिया में प्रेशर ज्यादा है, वेंट्रिकल में प्रेशर इज लेस, प्रेशर इज लेस, किसका, ब्लड का प्रेशर इज लेस. एंड नेचर क्या बोलता है, एवरीथिंग हैज टू गो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, everything has to go from high pressure to low pressure, right? So because the here the reason main yahan pe likh raha hu, because the pressure in the ventricles is low, pressure in the ventricle is low, the valves AV valves AV valves open. AV valves open. ठीक है बेटा, हमेशा ये याद रखना कि वॉल्व ब्लड वॉल्व आर नॉट पुश्ड टू बी ओपन, दे आर पुल्ड टू बी ओपन, बिकॉज वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम है और एट्रिया में प्रेशर ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस दी वॉल्व्स आर पुल्ड बाय दी कॉर्डे टेंडिने, ठीक है, एंड दी वेंट्रिकल्स, नाउ दी ब्लड फ्रॉम दी एट्रिया गेट्स इनटू दी वेंट्रिकल्स, वेरी क्लियर, ठीक है. सो दैट इज दी ओपनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ दी वॉल्व, ठीक है. सो नाउ वील हैव टू टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ दी वॉल्व्स, कौन से वॉल्व्स है, कौन से कितने टाइप के वॉल्व्स है, वो हम लोग बात करेंगे क्विकली, एंड दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, ठीक है. सो वॉल्व्स ऑफ द हार्ट, सो यू हैव एवी वॉल्व्स, यू हैव एवी वॉल्व्स, then you have SL valves which are semilunar valves, SL valves, वही हम लोग लिखेंगे, SL valves को हम लिखेंगे valves in the artery, valves in the arteries and valves in the veins, ठीक है. वॉल्व्स इन दी आर्टरीज एंड वॉल्व्स इन दी वेन्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज, दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज सेमी ल्यूनार वॉल्व्स, सारे सेमी ल्यूनार है, हाफ मून के जैसे है, इसलिए इसको बोलेंगे सेमी ल्यूनार वॉल्व्स, ठीक है. सो एवी वॉल्व्स जो है इट इज बिटवीन, सो इन अदर वर्ड्स वी विल राइट डाउन, राइट इट डाउन, एवी वॉल्व्स अपने पास दो टाइप के है, कौनते कौनते आए थे, दैट इज ट्राइकस्पेड आणि बायकस्पेड, ट्राइकस्पेड और बायकस्पेड, ट्राइकस्पेड इज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बायकस्पेड इज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वॉल्व, ठीक है. वॉल्व्स इन द आर्टरीज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज दे आर सेमी ल्यूनार वॉल्व्स, सो दे आर पल्मोनरी आर्टीरियल, पल्मोनरी आर्टरी के जो अंदर है, पल्मोनरी आर्टीरियल सेमी ल्यूनार वॉल्व्स,
एंड एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, अब वॉल्व्स इन दी वेन्स की बात हो रही है बेटा। वॉल्व्स इन दी वेन्स भी सेमी ल्यूनर टाइप है, दे आर ऑल्सो सेमी ल्यूनर टाइप, हाफ मून लाइक, दे आर नॉट अटैच टू एनी टाइप ऑफ कॉर्डेट एंटीना और समथिंग। ठीक है, तो आपके पास वॉल्व्स इन दी वेन्स, आपके वेन्स कौन से है, आपके पास SVC है ना, आपके पास SVC है, आपके पास IVC है, और आपके पास कोरोनरी साइनस है बेटा। ठीक है, सो वॉल्व्स इन दी वेन्स में द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द यूस्टेशियन वॉल्व, एक नाम है यूस्टेशियन वॉल्व, एंड द अदर वन इज थिबेसियन वॉल्व एंड द अदर वन इज हेवर्शियन वॉल्व। ठीक है, यूस्टेशियन वॉल्व इज प्रेजेंट इन द IVC इन्फीरियर वीना कावा, हेवर्शियन वॉल्व इज प्रेजेंट इन द SVC, और थिबेसियन वॉल्व इज प्रेजेंट इन द कोरोनरी साइनस। ओके, यूस्टेशियन वॉल्व इज प्रेजेंट इन दी IVC। इसको याद कैसे करोगे, वॉवल याद करना है आपको, वॉवल्स जो है ना AEIOU, तो देखो A नहीं है अपने पास, E है, U है, I है, सो ऑल ऑफ देम आर वॉवल्स। ठीक है, हवर्शियन वॉल्व को आप कैसे याद करोगे, आप याद करोगे HSC, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या बोलते हैं, HSC पास्ट, सो HSC, सो हवर्शियन वॉल्व इज प्रेजेंट इन दी SVC, और इसको आप कैसे याद करोगे, कोरोनरी साइनस में कौन सा वॉल्व, CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, राइट, सो इसको आप याद करोगे CST, इसको आप याद करोगे HSC, और इसको आप याद करोगे एज वॉवल्स। वेरी क्लियर, सो दीज आर दी वॉल्व्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। वॉल्व्स का हमने फंक्शन इधर देखा है बेटा, है ना, वॉल्व्स की ओपनिंग प्रिंसिपल देखा, प्रेशर डिफरेंस, है ना, तो प्रेशर डिफरेंस, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सर पल्मोनरी वॉल्व कैसे खुलता है, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व कैसे खुलता है, किसके बीच के डिफरेंसेस की वजह से खुलता है, सो पल्मोनरी वॉल्व्स इज इन दी इन इज बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी, मतलब इन दी पल्मोनरी आर्टरी एंड इट इज बिटवीन दी राइट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल, राइट, सो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व जो है इट हैज़ टू ओपन इन टू दी पल्मोनरी आर्टरी, तो ये कब खुलेगा, जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कम होगा एंड वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा होगा, राइट, सो वेंट्रिकल में कंपेरेटिवली देर इज़ हाई प्रेशर एंड पल्मोनरी आर्टरी में देर इज़ कंपेरेटिवली लेस ब्लड प्रेशर, एंड हेंस बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस द वॉल्व विल ओपन इन टू दी पल्मोनरी आर्टरी, देयर बाय क्रिएटिंग दी बैलेंस विद इन दी एरियाज। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टूडेज क्लास, आई डोंट नो दिस ऐप इज बिकमिंग अ लिटल मोर प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, I will show it to you with the help of photograph. Again, I told you, I will show it to you with the help of photograph. So these, I told you, these are your tricuspid bicuspid valve. ठीक है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व, देखो ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बाहर के कस्प के जैसे है, और ये सेमिल्यूनर हाफ मून के जैसे है, दिस इज हाउ दे अपियर। ठीक है, हाफ मून एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व एंड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है, ये हाफ मून के जैसे है, मतलब दे एब्सोल्युटली दे ये ऐसे छोटे कप है, अंदर की तरफ से ऊपर की तरफ से देखोगे तो ये डिप्रेशन जैसे दिखेंगे बेटा। ठीक है, so these are the valves, characteristic picture of the valve which you can see all the four major valves here. What you can't see is the Thibesian valve and Hevertian valve and Eustachian valve, ye aapko sirf yaad karna hai. theek hai,
दिस इज अ सिंपल एक्सटेंशन ऑफ यहाँ दिस पर्टिकुलर पिक्चर कंटेन्स ऑल दी नेसेसरी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरियस स्ट्रक्चर्स विच आई हैव ऑलरेडी रिटन इन दैट पर्टिकुलर नोट पैड. पर आप ये सब ऐसे के ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपके वीडियो में से. एंड दिस कैन बी ईदर यू कैन ड्रॉ इट इन योर नोटबुक और यू कैन कीप इट, यू कैन टेक अ जेरोक्स और यू कैन टेक अ प्रिंट आउट. दैट इज एब्सोल्युटली योर कॉल. ओके, दिस इज ऑल्सो अ फोटोग्राफ टू बी टेकन. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टूडेज क्लास. दैट इज ऑल फॉर टूडेज क्लास. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. गॉड ब्लेस यू. टिल देन.